मैं निवेदन करते हुए आपके समक्ष चलती हूं कि हमने वैदिक संस्कृति को छोड़ करके, जिसका सपना महर्षि स्वामी दयानंद जी ने देखा था, विचार किया था और लोगों से कहा था, वेदों की ओर लौटो, भौतिकता की चकाचौंध में आगे बढ़ करके अपना धर्म का, राष्ट्र का और बोले स्वयं का जो आज अनिष्ट हमने किया है उससे बाहर निकलो, और यदि चाहते हो उन्नति हो जाए तो ऋषि ने कहा था, बोलो वेदों की ओर लौटो, पीछे चलो। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, हमने बड़ी तरक्की की साहब, बहुत धन कमाया हमने, बड़ी तरक्की की, बड़ी सुविधाओं को घरों में जुटाया हमने, बड़ी तरक्की की, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण किया हमने, बहुत तरक्की की, लंबी लंबी गाड़ियों को खरीद करके हम ले आए, इतनी तरक्की की कि हमने सड़कों को ऐसे बना दिया कि आज सड़क पर खड़े होकर के और जब रात्रि में सफर करना पड़े तो बोलो मन लगता है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, एक समय होता था जब हमारे पास सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्ते हुआ करते थे, पर उन रास्तों पर चलने वाले लोग पक्के सीधे और बोलो सच्चे हुआ करते थे। आज रास्ते तो सीधे सच्चे दिखाई देते हैं, पर रास्तों पर चलने वाले लोग बोलो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। निवेदन कर दूं, हमने बहुत ऊंची बिल्डिंग बना करके तैयार तो की, पहले लोगों के घर कच्चे होते थे, पर साहब उन कच्चे घरों में रहने वाले लोग पक्के हुआ करते थे। आज हम कितने पक्के हैं याद रखना, आज हमारे जीवन से समस्त तप, समस्त निष्ठा, ईमानदारी बोलो निकलती हुई दिखाई दी, और यदि किसी के अंदर है तो समझना उसके मूल में दयानंद बैठा है, और यदि दयानंद मूल में नहीं है तो फिर आसपास भी ये शब्द आपको दिखाई देने वाले नहीं है। मैं निवेदन यही करना चाहती हूं, कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कुछ पंक्तियों के माध्यम से, बोले आदमी ही आदमी को आज यहां पर छल रहा है और मुद्दतों से यह कर्म चल रहा है, रोज हो रहे हैं चौराहों पर सीता के हरण, जबकि प्रतिवर्ष मेरे देश में बोलो रावण जल रहा। जब रावण यहां प्रतिवर्ष जला दिया जाता है तो फिर ये भ्रष्टाचार, ये रिश्वतखोरी, ये कैसे दिखाई देती है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि देश का युवा राष्ट्र का आधार है, और यदि युवा चाहे तो राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुलास में एक बात कही है, वो मैं आपको याद दिला दूं, बातें तो बहुत सारी कही है लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद दिला देना चाहती हूं। ऋषि ने लिखा है कि दान सुपात्र और कुपात्र को जान करके दे। आप कहेंगे कि इससे युवाओं का क्या लेना देना, तो याद रखना जो आज के हमारे युवा है, हमारे नौजवान भाई, हमारी बेटियां, वो समझते हैं जब सड़कों पर जाते हैं तो कोई भिखारी, किसी प्रकार की महिला, स्त्री, बच्चे जब उनसे टकराते हैं तो वो समझते हैं कि इनको 10-20 रुपए यदि हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे, बोलो इनकी सहायता करेंगे। पर याद रखना, हम ऐसे उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे अपहरणकर्ताओं के गिरोह को मजबूत बना रहे हैं। यदि आप चाहते हैं उनकी सहायता करना, उनको कुछ देना, जब भी आपको किसी भिखारी कोई सामने खड़ा हुआ दिखाई दे तो आप उससे कहो चलो हमारे साथ, हम आपको जहां पर भी, किसी दुकान पर, होटल में, रेस्टोरेंट में, घर में आपको भोजन करना है तो हम आपको भोजन खिलाएंगे और भोजन का पेमेंट हम देंगे, पर हम आपको बोलो पैसा नहीं देंगे।
क्यों? क्योंकि ऋषि ने लिखा है, सुपात्र को दिया हुआ धन देने वाले की उन्नति करता है, और बोलो कुपात्र को दिया हुआ धन देने वाले को भी नष्ट करता है। आज हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसीलिए कवि ने कह दिया, क्योंकि समय बड़ा सीमित सा था, ज्यादा व्याख्याएं मैं आपके समक्ष नहीं कर पाई, भजन भी मुझे सुनाने थे, मैं जल्दी जल्दी में अपने समय को पूरा करने का प्रयास किया। मात्र 35 मिनट मेरी आपके मध्यस्थ थी, बस कुछ पंक्ति आपके मध्य में मैं रखूं, और बिना व्याख्या के पंक्तियों के माध्यम से समझना कि कवि ने क्या कह दिया, हमारी स्थिति क्या हो गई, और युवा का क्या कर्तव्य बनता है, हम क्या थे क्या हो गए, कौन से भारत का सपना ऋषि दयानंद ने देखा था, क्यों मैथिली क्षण गुप्त जी को आज दर्द के साथ ये पंक्तियां लिखनी पड़ती है, तो क्या कह दिया सुन लीजिएगा। हे रज्जा निर्दोष सताए जा, बोले भाई साहब बड़ी तरक्की कर ली हमने, युवाओं का देश है हमारा, तो उनसे प्रश्न पूछ लिया क्या, जहां निर्दोष सताए जा उन बलवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवान कर क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जा उन बलवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष हुआ है, जो पाखंड न खत्म हुआ इन यजमानों का क्या होगा, काल नहीं दे राष्ट्र के हित में विद्वानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए बलवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए। Thank you.
पवित्र कमाई से सम्मान करता है। बच्चे के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। सुनिएगा, बात तो सब करते हैं साहब, राम जैसा राज्य होना चाहिए, पर राम की बातों का अनुसरण वो लोग कितना करते हैं। और क्या कह दिया, राम राज्य की बात करे को वरदानों पर क्या होगा। हार नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताएगा सम्मान करता है। बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बस बिना व्याख्या के सुन लो, वरना एक एक कली की व्याख्या विस्तार रूप से हो सकती है। पर आप सुनिए क्या कह दिया, करे नकल रख कर पिस्टल इम्तहानों का क्या होगा। करे नकल रख कर पिस्टल इन इम्तहानों का क्या होगा। कॉलेज छोड़ फिल्म देखते अन्नों का क्या होगा। कॉलेज छोड़ फिल्म देखते वो जाना का क्या होगा। भक्ष करे अभक्ष पदार्थ मिष्ठानों का क्या होगा। भक्ष करे अभक्ष पदार्थ मिष्ठानों क्या होगा। दिल दे दिया दिल रुबा को, दिल दे दिया दिल रुबा को, दीवान पर क्या होगा। दिल दे दिया रे दिल रुबा को, दीवान का क्या होगा। बेटों के विपरीत चले तो बेटों के परीत चले व्याख्यानों का क्या होगा। पार नहीं दे राष्ट्र के हित में तो जानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए। भजन और तोड़ी रहा मन इन ध्यानों का क्या होगा। करे भजन
मानो पर क्या होगा, मारी रहा बात काट फुट वीरानों का क्या होगा, मतलब निकला रे आंख बदल दी, मतलब निकला आंख बदल दी, एहसान कर क्या होगा, कान नहीं दे राष्ट्र के हित में भगवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए, बलवानों का क्या होगा, कान नहीं दे राष्ट्र के हित में क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष उन्हें बलवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र हित में बलवानों का क्या होगा, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष सताए।